दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेडीज़ कैप लेकर आई हूँ। ये कैप जो मैंने दो कलर में बनाई है और इसमें मैंने ऊपर पोम पोम लगाए हुआ है और नीचे मैंने क्रोशे से बनाया हुआ फ्लावर लगाया है। आप ये कैप जो है बच्चों के लिए भी बना सकते हैं और लेडीज़ के लिए भी बना सकते हैं। मैंने ये कैप जो है लेडीज़ के लिए बनाई है, इसमें मैंने 104 फंदे लगाए हुए हैं। अगर आपने बच्चों के लिए कैप बनानी है तो आप जो है इसमें 94 या 92 फंदे लगा सकते हैं। तो आप ये बच्चों के लिए कैप बना सकते हैं। ये कैप जो मैंने लेडीज़ के लिए बना के रखी है, तो मैं आपको ये कैप बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने बॉर्डर बना के रखा हुआ है। इस बॉर्डर में मैंने 104 फंदे लगाए हुए हैं और मैंने दोनों तरफ से सीधी सीधी लाइन बनाई हुई है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये मैंने बॉर्डर की लाइन जो है बनाई हुई है। पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया और आगे के फंदे हमने सारे ऐसे नीचे की तरफ सीधे सीधे बनाने हैं। ये हमारी चाहे सीधी साइड है चाहे उल्टी साइड है, दोनों तरफ से हमने नीचे की तरफ ही सारे फंदे जो हैं बनाने हैं। इस लाइन को बनाने के बाद जो है हमारा बॉर्डर अब कंप्लीट हो गया है। अब दोनों तरफ से हमारे जो 5-5 लाइन कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 इस तरफ और 5 इस तरफ। अब ऊपर में आपको जो है एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और धागा नीचे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे ही हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ये सारी रो जो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। और फिर आगे नेक्स्ट लाइन में मैं आपको बताऊंगी। ये हमने अब सीधी तरफ से एक सीधा और एक सीधा उल्टा ऐसे ही हमने जो लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टे की तरफ आते हैं, तो ये हमारा फंदा पहले उल्टा आया है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, धागा नीचे किया। और ये जो हमारा सीधे वाला फंदा है इसको हम यहाँ से ऊपर से नहीं, ये नीचे वाला जो होल है यहाँ से सिलाई को डालेंगे और फिर फंदे को बनाएंगे। धागा ऊपर किया और उल्टा फंदा हमने ऐसे ही बनाया, फिर से धागा नीचे किया और फिर से ऊपर की बजाय हम नीचे वाले होल में ऐसे ये जो दिख रहा है ये नीचे वाले होल में ऐसे सिलाई डाल के ऐसा फंदा बनाएंगे। धागा ऊपर किया, उल्टा फंदा बनाया, धागा नीचे किया, फिर से ये नीचे वाला होल जो है यहाँ से सिलाई डाल के फिर फंदे को हम बनाएंगे। धागा ऊपर किया, उल्टा फंदा बनाया और फिर से हम ये जो हम हमेशा सीधा फंदा हम यहाँ से बनाते हैं तो इसको हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, इसको इसके नीचे वाला जो होल है यहाँ से सिलाई डाल के इस फंदे को हम बनाएंगे। और धागा ऊपर करेंगे, उल्टा फंदा बनाया, ये हम सारी रो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारी अब लाइन जो कंप्लीट होने वाली है। धागा फिर से ऊपर किया और एक उल्टा फंदा बनाया, धागा फिर से नीचे किया और फिर से ये नीचे वाले होल में डाल के सीधा फंदा जो हमने बनाया, धागा ऊपर किया, एक उल्टा फंदा बनाया, धागा नीचे किया और फिर लास्ट का फंदा जो हमने ऐसे ही ऊपर जैसे आप बनाते हैं वैसे ही लास्ट वाला फंदा जो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब जब हम सीधी साइड में फिर से सीधी साइड में आगे, तो पहला फंदा हमने ये हमारा उल्टा है तो इसे ऐसे उतार लेंगे, उल्टा फंदा, धागा नीचे किया और फिर से ये सीधा फंदा है तो इसको नीचे वाले होल से ऐसे निकाल के इस फंदे को बनाएंगे। धागा ऊपर किया,
उल्टा फंदा बनाया, धागा नीचे किया, फिर से नीचे वाले होल में से ये सीधा फंदा बनाया, एक उल्टा फंदा बनाया। ये सारी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करनी है और ऊपर तक हमने ऐसे ही बनाते जाना है। जो उल्टा फंदा है वो हमारा उल्टा ही आएगा और जो सीधा फंदा है दोनों तरफ से, चाहे वो उल्टी साइड है चाहे वो सीधी साइड, वो हमने ऊपर की बजाय नीचे वाले होल से बनाना है सीधा फंदा। ये जो हमने अब कैप जो इतनी लंबी बना ली है, ये कम से कम हमने 8 इंच जो हमने बना ली है इसकी लंबाई। और ऊपर मैंने ये कलर भी चेंज किया हुआ है, नीचे मैंने ग्रे कलर लगाया था और ऊपर मैंने ये ब्लैक कलर लगा लिया है। अब फिर से मैं ये ग्रे कलर लगाऊंगी। ये सेम मैंने एक ही जैसा ऊपर तक बनाया हुआ है डिजाइन इसका। अब ऊपर मैं क्या करूंगी कि इसके फंदे जो है घटाना शुरू करूंगी। तो हम क्या करेंगे कि पहला फंदा हम ऐसे ले लेंगे, ये पहला फंदा ऐसे ले लिया, धागा जो नीचे करेंगे। और पहले हम जब नीचे सीधा फंदा बना रहे थे तो ये नीचे वाले होल से निकाल रहे थे, अब की बार हमने क्या करना है, जब फंदे घटाना शुरू करेंगे तो हम ऊपर से ही इस फंदे को सीधा फंदा बनाएंगे और आगे जो हमारा उल्टा फंदा है उसे भी हम सीधा फंदा बनाएंगे। अब हमारे सारे फंदे जो सीधे आएंगे, ये 3 फंदे हमने बना लिए हैं। अब आगे हमारे एक सीधा और एक उल्टा फंदा है, तो इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, इन दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। ये 3 फंदे बनाए, फिर 2 का एक किया, फिर से आगे हमारा जो है सीधा फंदा, तो इसे हम जैसे नॉर्मल सीधा बनाते हैं वैसे हम सीधा फंदा बना लेंगे। आगे फिर से हम 3 सीधे फंदे बनाएंगे, जो हमारा उल्टा फंदा है वो भी हम सीधा बनाएंगे। और फिर से हम आगे हमारा एक उल्टा और एक सीधा आ रहा है, तो इन दोनों फंदों को हम दो फंदों का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर आगे हमारा उल्टा फंदा है तो ये भी हम सीधा फंदा बनाएंगे। ये 3 फंदे जो हम सीधे बना लेंगे और फिर से आगे के हम दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। इस रो में आप क्या करेंगे कि 3 फंदे आप सीधे बनाएंगे, फिर 2 का एक, 3 फंदे सीधे बनाएंगे फिर से 2 का एक, चाहे वो उल्टा फंदा है चाहे वो सीधा फंदा है, हम सीधे की तरफ बनाएंगे। ये पूरी रो में ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। ये लास्ट में फिर से हमने 2 का एक फंदा बना दिया और फिर लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे आ गए। अब ये हमारी लाइन जो कंप्लीट हो गई जिसमें हमने फंदे घटाए हैं, अब उल्टी रो में हम क्या करेंगे कि ये सारी रो जो है हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसमें कोई उल्टा सीधा फंदा नहीं बनाएंगे और ना ही यहाँ कोई फंदा घटाएंगे। ये सारी रो में आपको उल्टी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हमने अब उल्टी रो कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधी में आते हैं, तो पहले हमने सीधी में 3 फंदे सीधे बनाए थे, फिर 2 का एक, 3 फंदे सीधे फिर 2 का एक, ऐसे किया था। अब की बार हम क्या करेंगे कि अब हम जो है 2 फंदे सीधे बनाएंगे फिर 2 का एक बनाएंगे। 2 फंदे हो गए, 2 फंदों का हम एक बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, 2 का एक बनाएंगे। ऐसे पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद उल्टी रो हम पूरी उल्टी बनाएंगे, इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। और फिर सीधे में हम फिर से सीधे में आएंगे, तो पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए फिर 2 का एक, और अब की बार हम 2 फंदे सीधे बना रहे हैं फिर 2 का एक। अब इससे नेक्स्ट वाली लाइन में हम क्या करेंगे सीधे तरफ कि एक फंदा सीधा बनाएंगे और 2 का एक, एक फंदा सीधा और 2 का एक। ऐसे हम जो ये मैं आपको 4 लाइन जो कंप्लीट करके बताती हूँ, 2 लाइन सीधे की तरफ और 2 उल्टी उल्टी। ये हमने 4 लाइन जो अब ऊपर कंप्लीट कर ली है। लास्ट लाइन जो हमने एक फंदा सीधा बनाया, 2 का एक, एक फंदा सीधा, 2 का एक, ऐसे ही हमने पूरी लाइन जो कंप्लीट करने के बाद एक उल्टी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब फिर से हम सीधे की तरफ आते हैं, तो जैसे हमने लास्ट लाइन जो कंप्लीट की है, एक फंदा बनाया 2 का एक, एक फंदा बनाया 2 का एक, वैसे हम एक और रो जो है हम यहाँ पे बना लेंगे। यानी कि लास्ट की 4 रो जो हम सेम एक जैसी बनाएंगे, एक फंदा बनाया, फिर हम आगे 2 का एक फंदा बनाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाया, फिर से 2 का एक फंदा बना लेंगे। ऐसे रो हम जो पूरी कंप्लीट करेंगे और एक उल्टी रो। फिर उसके बाद जो हमारे जो फंदे बचेंगे उसको हम सुई में लेकर उसके
बंद करेंगे इन सारे फंदों को। तो ये हमने शुरू से ही पहले तीन फंदे बनाए, फिर दो का एक, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने दो फंदे बनाए, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया, फिर अगली लाइन में हमने एक फंदा बनाया, फिर दो का एक बनाया, फिर उससे अगली लाइन में अब जो मैं बना रही हूँ फिर से हमने ऐसे ही किया, एक फंदा बनाया फिर दो का एक। ये मैं पूरी रो कंप्लीट करने के बाद और एक उल्टी रो ये करके बताती हूँ। ये हमने लाइन कंप्लीट करने के बाद जो है हमने धागा काट लिया है और ये सुई में डाल लिया है। अब इन सारे फंदों को हम सुई में ले लेंगे एक एक करके ऐसे, इन सारे फंदों को मैं सुई में डाल लेती हूँ। ये हमने सारे फंदों को सुई में डाल लिया है और इसे हम सीधा जो है हमारा अंदर आएगा और इसको हम धागे को ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद जो हम इसे अच्छी तरह जो है पक्का कर लेंगे। ऐसे अच्छी तरह पक्का करने के बाद इसको हम इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हम सिलाई करेंगे। ये मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। जो हमने अब कैप जो है सिल के कंप्लीट कर ली है, अब हम इसके ऊपर जो है यहाँ पोम पोम लगाएंगे। ये मैंने पोम पोम बना के रखा हुआ है। इसे हम इन धागों को हम यहाँ क्रोसे से नीचे निकालेंगे अंदर की तरफ और फिर यहाँ इसे बांधेंगे। और यहाँ एक लगाने के लिए मैंने एक फ्लावर भी बनाया हुआ है। ये मैंने क्रोसे से फ्लावर बना के रखा हुआ है, इसे भी मैं यहाँ सुई से अटैच कर दूंगी। ये मैं दोनों लगा के बताती हूँ। ये जो हमारी अब कैप जो है बनके कंप्लीट हो गई है। ये हमने फ्लावर भी लगा दिया है और ऊपर पोम पोम भी लगा दिया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना।